पांचाली देवर जी। हाँ पांचाली। आप? हाँ मैं। आज आप मेरे पास में क्यों आए हो? आज मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि मेरे बड़े भाई दुर्योधन ने तुम्हें याद किया है। मुझे याद? हाँ। लेकिन क्यों? ये तो वही बताएगा कि जब सभा में चलेगी उनसे ही जाकर ये प्रश्न करना कि जेठ जी मुझे सभा के अंदर क्यों बुलाया गया। वैसे कहने को तो आप मेरे देवर हो। हाँ। और जो छोटा देवर होता है। हाँ। वो बेटे के समान होता है। बेटे के समान होता है। लेकिन तुझ में तो बोलने का सलीका ही नहीं है। अच्छा। भाभी को कैसे बोला जाता है? यानी मेरे में बोलने की तहजीब नहीं है? नहीं है। और तुम में बोलने की तहजीब बहुत बड़ी है। हाँ। कि अपनों से बड़ों से किस तरह से बोला जाता है। हाँ। ये तालीम तुम्हारे अंदर है? है? नहीं है। क्यों नहीं है? ये तालीम आज तुम्हें दुर्योधन बताएगा कि अपनों से बड़े से किस तरह से बोला जाता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। क्या? कि कभी राजघराने की बहुएं राज दरबारों में नहीं जाया करती। राजघराने की बहुएं राज दरबार में नहीं जाया करती। हाँ। राजघराने की बहू कहाँ जाया करती मुझे ये बताइए। कहीं भी नहीं जाती। कहीं भी नहीं जाती। हाँ। कहीं जाती नहीं। नहीं जाती। कहीं तो जाती होंगी। नहीं जाती। कहीं नहीं। अरे कहीं घर में झोपड़ी में झुग्गी में? अपने महल में ही रहूंगी मैं। महल में ही रहेगी? हाँ। महल से बाहर नहीं निकलेगी? नहीं। सब कुछ महल में ही करेगी? हाँ। आज तने महल से बाहर निकलना पड़ेगा? नहीं जाऊंगी। आज तने महल से बाहर निकलना पड़ेगा? मैं नहीं जाऊंगी। जय नहीं। राजी से चल ना तो मैं जबरदस्ती करूंगा। ओह तेरी माँ ने इतना दूध पिलाया तो मुझे जबरदस्ती ले जाकर देख। जबरदस्ती? हाँ। तेरी तो ऐसी फुटबॉल बनाऊंगा तुम्हें खेलता हुआ दरबार तक ले जाऊंगा। अपना शरीर तो देख ले, सकल सूरत देख के बात करो। हाँ, सांप का के छोटा और के बड़ा जहर तो बराबर पाओ जी। ऐसा कैसे हो जाएगा? सुन मेरी बात। तने याद करे लेकिन लेकिन मैं सब हम जाने लायक ना मेरी कोई सफर बात करे। मैं सब हम जाने लायक ना मेरी कोई सफर बात करे। द्रौपद चाल करे पार्टी का मनोबल बढ़ाते हैं। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। बार बार धन्यवाद। सभा में जाने से तुम्हारी इज्जत बर्बाद होती है। हाँ। यानी तुम्हारे इज्जत भी है, है? कितनी लंबी चौड़ी है, कहाँ इज्जत को रखती हो, कहाँ से उठाती हो, क्या खिलाती हो, क्या पिलाती हो, कहाँ सुलाती हो, इज्जत क्या होती है? ये मैं जानू इज्जत क्या होती है? तुझे बताने से कोई फायदा नहीं है। तू जानती है इज्जत क्या होती है? जानती हूँ। तू जानती है इज्जत क्या होती है? अरे चुप हो जा। हम बताएंगे कि इज्जत किसे कहते हैं, इज्जत क्या होती है। मुझे ना पूछनी तुझसे इज्जत इज्जत। और तू इज्जत रे के जाने तू इज्जत रे के जाने जब तेरे द्रौपदी शर्म नहीं। सेला कर ले सेला कर ले भू चल जागा आया करते करम तेरी इन बातों से मेरा द्रौपदी
का नरम नहीं। बहु बेटी ने पता है तुम्हारी हालत कितनी बेकार हो चुकी है। हाँ। बहु बेटी ने पूरी तक हो यो छतरी का धर्म नहीं। बहु बेटी ने पूरी तक हो संतरी, मुझे कोई हल करा। हाँ। मुझे या किसी डाक खाने की कोई चिट्ठी मत समझ लेना। तो ऐसे दुर्योधन का बुलाया, दुर्योधन का भेजा हुआ, दुर्योधन का छोटा भाई। पर मेरा नाम दुशासन है। तू जानते है कि दुशासन की ताकत क्या है? तो राजी से चलेगी राजी से। और तू आया तो ऐसे ही जैसे डाकिया आते चिट्ठी लेके। ना तो तुझे बड़े भाई के आदेश अनुसार तुझे सभा के अंदर ले जाकर। नहीं जाती, जा कर ले अपने बड़े भाई को, बोल दे क्या करना है मेरा। नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं, तुझे जाना पड़ेगा। अब। लेकिन मुझे वो काम करना पड़ेगा कि लातों के भूत कदे बातें तो नहीं माना करते। अच्छा? हाँ। ये भी काम करना जानता है? ये जानता हूँ सच में, और ये बहुत बढ़िया तरीके से जानता हूँ। और तू जिनके ऊपर बढ़ चढ़ करके बोल रही है, बोलती हूँ आज, वो तेरे पांचों शेर, वो तेरे पांचों खसम आज गीदड़ बन के हमारे बड़े भाई के सामने बैठे। पांच पांच खसम रखने वाली पांचाली। हाँ, रखती हूँ तो तुझ पे क्या जोर पड़ रहा है? आज तेरे उन पांचों खसमों को भी देखेंगे और देखेंगे कि उनमें कितना बल है। अच्छा। और कितना जोर है। हाँ। आज अकेला दुर्योधन देख लेगा कि उनके अंदर कितना जोर। वो तो बाद में, पहले मैं ही बहुत हूँ। तो ही बहुत है। हाँ। यानी तुझे नहीं चलना, नहीं जाना। तेरे इमदादी, तेरे इमदादी ने देखेंगे, तेरे इमदादी ने देखेंगे। तने कर के नगन, तने कर के नगन, तने कर के नगन नचावेंगे। तुम कौन नचाने वाले हो जब खुद भगवान बचावेंगे? वो सृष्टि के सुनता जा, सुना दे वो सृष्टि के रचने वाले जन क्या क्या खेल खिलावेंगे। वो सृष्टि के रचने वाले जन क्या क्या खेल खिलावेंगे। वही बाई जानते, बाई जानते नंगी बांग दिक, नंगी जांग दिखावेगा वो तो नंगी जांग दिखावेगा। दुर्योधन परमा दे करे नहीं किसे में, और सुन सुना नहीं किसे में जोर इशारा गंगा जी पे बोल करे। नहीं किसे में जोर इशारा गंगा जी पे बोल करे।
से बड़ों को कैसे कानून और कायदा से कैसे बोला जाता है, अपने से बड़ों की क्या इज्जत होती है? मैं सब जानती हूँ। अपने से बड़ों का किस तरीके से सम्मान किया जाता है तो क्या जाने दे रोकती। अच्छा तू जानता है? आज गंधारी के लाल बताएंगे कि अपनों से बड़ों को किस तरह से सम्मान किया जाता है और अपने से बड़ों से किस तरह से बोला जाता है। अच्छा हाँ, तू ज्यादा जानता है। अपना से बड़ा से अगर कानून कायदा बोलने की तहजीब जानती तो आज दुशासन तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे महल में नहीं आता। ओ घना बड़ा वो मत बने तू इधर आ। मुझे तो बोलने की तमीज नहीं है, मेरी कोई गलत बात सुनी आपने? जब इसने मुझे बोला था तो मैंने इसे देवर जी कह के पुकारा था, और जब से ये बोल रहा है कभी पंचाली कभी द्रौपदी, मर जा कहीं डूब के। पंचाली है? है तो हूँ। एक औरत पांच पांच खसम रखने वाली है। अरे मैंने तुझे पहले भी बताया मेरे पांच खसम, मैं जानू उनके बारे में, तुझे क्या लेना? तेरे पांच खसम तो छठा भी तैयार बैठा है। मैं तो उसे देख लूंगी, लेकिन तू जब उन पांचों से कोई फर्क और कोई असर नहीं पड़ा तो द्रौपदी को सिर्फ छठा भी कुछ ना बिगाड़ा तेरा। देखो भाई इतना सम्मान इतना प्यार तेरे पांचों खसमों ने नहीं दिया होगा जितना आज वो छठा देगा। एक बार चाल के देख। नहीं जाती। तेरे स्वागत में फूल बिछा रखे। अरे उन फूलों पे तू ही चल। तेरी स्वागत में पंडाल लगा रखा है। तू वापस जाएगा ना उन पे तू ही चली। तेरी तेरे स्वागत में बड़े बड़े डीजे बजवा रखे है। क्यों? तेरी स्वागत में बड़ी सभा बैठी है। अच्छा? तुझे आंखें फाड़ फाड़ करके देखेगी। ओह। और जब जब सभा के अंदर तेरा नंगा नाच होगा आहा, क्या आनंद छावेगा। हम नाच देखोगे तुम? हम नाच देखेंगे। लो जी ये है छत्रीय, अब औरतों का नाच देखेंगे। अब तो छत्रीय वत्रीय कुछ ना हो, बस छत्री छत्री रह गई अब तुम्हारी, छत्री छत्रापन खत्म हो गया। छोड़ दे तू तुम्हारी खता नहीं। मेरे जितनी और सुनता जा सुना। अब तक तो तू मर गया होता, तुझ में गोली लगवा देती है। अच्छा हाँ, लेकिन लेकिन मेरे जितनी और किसे में केवल मिले समाई नहीं। मेरे जितनी और किसे में केवल मिले समाई नहीं। कुछ नहीं होगी। तुम कौन दया करने वाले सब की ईश्वर की मदद करे। तुम कौन दया करने वाले सब की ईश्वर की मदद करे। हो 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 Thank you.
व्यक्ति तुझे सभा में चलना है नहीं चलना। अरे नहीं जाऊंगी, तेरी मौत तो निश्चित है मेरे हाथों से। जभी तो तू ऐसे उल्टे सीधे काम कर रहा है, डांस भी दिखा रहा है। मरना सभी को है, अमर कोई नहीं आया। लेकिन तू मेरे हाथों से मरेगा। कोई बात नहीं, तेरे हाथों से मर जाएंगे। मरना सभी को है, किसी को किसी के हाथों से, किसी को किसी के हाथों से। हो सकता है कि तेरे से पहले हम ही तेरा काम कर दे। और क्या, नहीं होगा, तेरे बस की ना हो मैं मारने। अच्छा फिर मारेगा तो मारने वाला। लेकिन हो सके हमारे सिर पड़ जाओ। बाकी इतना हल्का कच्चा काम हम करेंगे नहीं। हमें तो जो करना है सिर्फ उतना ही करेंगे। पर ये भी मत वरना पछताएगा जीवन भर। लेकिन मैं तो यूं आया था कि शायद आसानी से चल पड़ेगी। लेकिन तू द्रौपदी, तू पांचाली, और कुछ तू रूख दूसरा जमाने लगी। साफ कहन में मेरे प्यारे देवर को तेरी दिल जाना। साफ कहन में मेरे छोटे देवर को तेरी दिल जाना। हमने करो कौन कहे, देखे हमने करो कौन कहे, जब तने थूक के चल जाना। उस ईश्वर की माया का हो देवर, भेद किसे न पाया ना। ईश्वर की माया को देवर, भेद किसे न पाया ना। और पहल में करिया होया तू भर ले, पहल में करिया होया तू भर ले, ताजा खड़ी फसा दे कर।